बहुत ही गरम गरम लग रहा है यार। तो हेलो गाइस, तौहीद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है नवादा से आपको गया लेके जाऊंगा और कहां कहां 4 लेन बना है। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा और दिखाता हूं कि कहां कहां 4 लेन का काम हुआ है। तो चलिए, तो फाइनली हम हिसुआ आ गए हैं। ये हिसुआ चौक है जो आपको पीछे दिख रहा है। तो हम जा रहे हैं अभी गया। तो चलिए कहाँ कहाँ 4 लेन बना है तो दिखाता हूँ मैं आपको। फोर लाइन का पूरा काम चालू है, जैसा कि देख रहे हैं टूट टाट गया है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाता हूँ गौतम बुद्ध कहाँ तक कंप्लीट हुआ है गौतम बुद्ध। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, इस साइड से रोड बन रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। इधर से काम चालू है, गाड़ी वगैरह जा रहा है अभी। उधर पूरा काम चालू है, बहुत पोल्यूशन वगैरह उड़ रहा है। इधर देखिए, वो पुराना पुल है और ये नया पुल है, जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, मिट्टी वगैरह गिर रहा है। बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है इस लाइन में भी, गया रोड में, गया जाने वाला रोड में बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम हो रहा है। ये देखिए पुल है, पिछले बार आया था तो पुल नहीं था, इस बार आया तो देख रहा हूँ बहुत अच्छा पुल है। बस गौतम बुद्ध यहाँ पहुँचने वाला हूँ, चलिए दिखाता हूँ कहाँ तक काम हुआ है। जब पिछले बार आया था इधर ब्लॉग बनाने के लिए तो गौतम बुद्ध का ज़्यादा काम नहीं था, अभी देखता हूँ कहाँ तक काम हुआ है। पिछला अगर वीडियो आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जाकर देख लीजिएगा। तो ये देखिए, इधर बीच बैठा है उस वाला रोड में, जैसे कि जूम इन करके दिखा रहा हूँ आपको। टूरिस्ट वगैरह बहुत ही आएंगे वहाँ, बहुत ही सुंदर खूबसूरत बन रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों लोगों के पास शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो अब ये देखिए, रोड पर चल रहा हूँ तो अभी ये बीच नहीं बैठा, इस तरह बैठा है। चलिए आपको दिखाता हूँ गौतम। तो फाइनली बहुत ही जल्द गौतम बुद्ध पहुँचने वाले हैं, कहाँ तक काम हुआ है दिखाऊंगा मैं आपको। और है अभी बन रहा है सब काम, इधर प्रोसेस में लगा हुआ है। गौतम बुद्ध का काम हो रहा है और अभी भी हो ही रहा है, तो जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आदमी लोग आपको दिख रहा है ऊपर में दम बैठ के, पहले तो धड़ था अब तो मुड़ी बैठ गया है। काम एकदम जोरों शोरों से लगा हुआ है एकदम, बहुत ही जल्द बन के तैयार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर काम और एकदम दिखेगा। आप लोग भी आइए इस जगह पर घूमिए। ये वीडियो कैसा लग रहा है लाइक जरूर करें। तो चलिए आपको गया का दिखाता हूँ कुछ वीडियो, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ये देखिए, भीड़ बाजार लगा हुआ है, बहुत सारे दूर के गांव आ रहे हैं, अगल बगल के गांव लोग आते हैं यहाँ। क्या भाई, कौन हट्टी है भाई? तो जुमराती हट्टी लगा है, गौतम बुद्ध के जस्ट आगे जाइएगा, जुमराती हट्टी लगा है। ये देखिए बहुत ही भीड़ है, जैसा कि मेला लगा है, देख रहे हैं आप लोग। अरे हॉर्न तो बंद कर दे भाई। तो ये देखिए कितना भीड़ है, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए एकदम आलू प्याज लहसुन कुरकुरे क्या खा लो, मजा आ रहा है ना।
तो अंडा चाप क्या क्या बन रहा है भाई। अभी तो हम लोग जा रहे हैं तो रुक के जरूर देखते हैं हम लोग। तो चलिए आपको गया का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। तो अभी मैं वजीरगंज पहुँचने वाला हूँ और ये नया पुल है, इतना टूट गया आपको नज़र आ रहा पुल। अभी वहाँ का काम चालू है, उधर किचन वगैरह है, उधर काम चालू है और ये नया पुल पे हम लोग एकदम है। बहुत मस्त एकदम लग रहा है एकदम, क्या बोलूँ दोस्त। क्या खालू है कि नहीं, खालू जा रहे हैं गया और इंजॉय कर रहे हैं, खालू को बोर नहीं होने दे रहे हैं। और ये मेरा जो बाइक चला रहा है ये मेरा ममेरा भाई है और ये उनका खालू है, उनका खालू मतलब मेरा खालू। अरे खालू हाँ, तो आपको ये पुल कैसा लग रहा है? उधर का तो पुल का काम हो ही रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को। तो फाइनली अब वजीरगंज पहुँचने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा दिख रहा है यार, क्या बोलूँ मैं। इधर दो तीन चार पाँच छः महीने के बाद ही आया हूँ यार, मतलब तो बहुत चेंज हो गया इधर का, देखो रोड वगैरह बन गया है। अभी बीच नहीं बैठा है, पूरा रोड में भी बीच बैठा है, थोड़ा थोड़ा पूरा नहीं हुआ है, क्लियर क्लियर सिर्फ पत्थर है। फिनैली तो बंद कर दे भाई। तो फिनैली वजीरगंज आ चुके हैं और दशरथ मांझी अगर आपको जाना है चलिए इस रोड में जाइएगा, दशरथ मांझी रोड में इस साइड चला जाइएगा। वहाँ पे दो रास्ता है, इस तरफ एक है लेफ्ट चला गया और इस तरफ एक रेड चला गया। तो आपको दशरथ मांझी अगर जाना है तो रेड तरफ जाइएगा, अगर गया जाना है तो सीधे चला जाइएगा। चलिए आपको गया का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ मैं, चलिए। तो वजीरगंज पार कर चुके हैं हम लोग और अभी जा रहे हैं गया। तो ये देखिए अभी रोड का काम हो ही रहा है यार, इतना डस्ट, बहुत फूल उड़ रहा है यार। हाँ और बस गया ना इसी वजह से। तो रोड का काम हो ही रहा है अभी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखिए काम वगैरह एकदम जोरों शोरों से चल रहा है। ये देखिए काम में को कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है। और गया के लिए जो जाने का रास्ता है वो रोड अलग से बना है ना गाली भैया। तो ये देखिए बहुत सारा घर टूट चुका है यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए मुआवजा मिला होगा खालू है ना? हाँ मिला तो चाहिए। तो ये देखिए टूट चुका है, बारिश हो जाता तो बहुत पानी जम जाता है यहाँ, घर भी जा रहा, जमीन भी जा रहा है ना, सब चला जाएगा ना। ये देखिए वगैरह बन रहा है, बहुत ही जल्द गया पहुँचने वाला हूँ। काम चालू है, ये देखिए टूल टैक्स गया के जाने रास्ता में ना, बहुत ही चौड़ा रोड है यार, सबसे अच्छा रोड तो यही लग रहा है देखने में। तो टूल टैक्स पार कर चुके हैं गया के रास्ते में जाने के लिए, नवादा से गया के बीच में पड़ता है ये टूल टैक्स। अभी तो काम चालू है, thank you.
नहीं रह गया, बस पहुंचने वाला हूं। ये देखिए रोड का काम हो रहा है अभी, जैसा कि किरण वगैरह जो है थोड़ा थोड़ी यार बस वाला भी पॉल्यूशन वाला चलाया था। ये देखिए पोल्यूशन यार, पोल्यूशन तो नहीं डस्ट उड़ रहा है भाई, पोल्यूशन तो नहीं है, बहुत डस्ट उड़ रहा है ना खालू। पेपर है ना, मैंने गूगल पे उतार दिया ना चश्मा। ये देखिए फ्लाई ओवर, अभी तो काम चालू है, यहाँ तक फ्लाई ओवर गया का काम हुआ है, अभी काम में लगा हुआ है। ये देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर का माहौल ही अलग हो गया भाई। काफ़ी दिनों से काम लगा हुआ है और अभी तक काम लगा ही हुआ है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी बहुत ही टाइम लगेगा फाइनल होने में। अभी इस तरफ का नहीं लगा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों लोग के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि सबको पता चले कि नवादा से गया रोड, गया जाने वाला रोड में क्या क्या चेंज हुआ है। गलत रास्ता है ना, तो ये पीच बैठ रहा है। बहुत ही गरम गरम लग रहा है यार, नया भी बन रहा है ना। बहुत ही जोरों शोरों से काम हो रहा है गया रोड में, गया वाला रोड में, गया रोड में ना एक नवादा भी है गया रोड। तो चलिए दिखाता हूँ आपको गया का सफ़र। तो फाइनली गया पहुँच चुका हूँ मैं। अगर आप लोग नवादा से गया आते हो तो यहाँ बहुत सारा ऑटो मिल जाएगा, तो आपको अगर नवादा से अगर आप आ रहे हैं और उतरिएगा आप गया, तो यहाँ उतरने के बाद आपको ऑटो पकड़िए, ऑटो पकड़ने के बाद गया रेलवे स्टेशन आपको लेके जाएंगे। कम से कम भाड़ा यहाँ से लगेगा कम से कम 20 रुपये लगता है, और कोई को तो यहाँ पे उतार देते हैं, यहीं पे उतारते हैं ज़्यादा करके पास। तो आपको दिखाता हूँ चौक के पास, और पुल पे पहुँचने वाला हूँ बहुत जल्द, तो वीडियो में बने रहिए और दिखाता हूँ आपको मैं। ये बाज़ार है, एक तरफ से बाज़ार ही है, इधर होटल वगैरह है, ज़्यादा करके तो होटल वगैरह है, सब्जी उब्जी मिलता है जैसे कि देख सकते हो आप। तो ये देखिए गया का चौक है, चौक आने के बाद अगर चौक से आप बैठिएगा तो देखिए ये चौक है, ऐसा लग रहा कि बहुत ही अच्छा माहौल दिख रहा है। चलिए बहुत ही जल्द पहुँचने वाला हूँ और आपको पुल दिखाता हूँ गया का, बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्त। वहीं से पकड़ना पड़ेगा, इससे पहले मैं बताया हूँ ना, वहीं से आप पकड़िएगा। क्या भाई
बजा कर रहा है, तो आपको गैर रेलवे स्टेशन के लिए वहीं से पकड़ना पड़ेगा। बस मास्क तो नहीं पकड़िएगा, ऑटो पकड़िएगा, बीच में लगेगा आपको, बहुत ही जल्द पहुँचने वाला हूँ। तो ये देखिए गया का पुल आ चुके हैं, अब बहुत ही जल्द गया रेलवे स्टेशन भी पहुँच जाएंगे। यहाँ पर मैं क्या बोलूँ भाई, माहौल ही अच्छा है, थोड़ा रुकता हूँ यहाँ पे, रोको गाड़ी भाई थोड़ा। ये उधर तो ये देखिए माहौल ही कुछ अलग है, शाम को बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठने के लिए आते हैं। ये देखिए जैसा कि आपको देख रहे हैं बैठे हुए हैं, तो चलिए आपको दिखाता हूँ, मैं चलते हुए दिखाता हूँ आपको पुल। तो फाइनली यहाँ से भी गाड़ी खोल दिए हैं, रुके तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। चलिए बहुत अच्छा माहौल है यार यहाँ पर, देखो शाम को मतलब लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे सब लोग बैठे हुए हैं, दिख रहा होगा आपको, फाइनली गया रेलवे स्टेशन पहुंच गया हो। फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों लोगों के पास वीडियो को शेयर करें, ताकि पता चले कि नवादा से गया आने के टाइम में क्या क्या चेंज हुआ है। अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।